छुट्टी ते आना ट्रांसपोर्ट तो जून तक मेरा मनप्रीत करनल शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया, मेरे दिल का टुकड़ा शहीद हो गया, बच्चे भी छोटे सबसे प्यार से बात करते थे और सबसे बड़े थे हमसे सारे। अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। दक्षिणी कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग में आतंकियों से मुठभेड़ में देश ने सेना के 3 अफसर खो दिए हैं। मेरा मनप्रीत कर्नल शहीद हो गया, 8-8 दिन साड़ी गल नहीं थी हुंदी उहदे नाल। फायरिंग में सेना पदक विजेता कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष डी और पुलिस उपाधीक्षक हुमायूं भट्ट आतंकियों की गोली का निशाना बन गए। इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट ने ली है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि वे वही आतंकी हैं जिनसे 4 अगस्त को कुलगांव के जंगल में मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हुए थे। कश्मीर में पिछले 3 साल में ये सबसे बड़ा हमला है। इससे पहले कश्मीर के हंदवाड़ा में 30 मार्च 2020 को 18 घंटे चले हमले में कर्नल, मेजर और सब इंस्पेक्टर समेत 5 अफसर शहीद हुए थे। मेरा पिंड नाल ही है, इन्होंने मासी के मुंडे का बेटा सीगा जिहड़ा इदां होया है, तो वो आर्मी विच उन्हां दे मासी का मुंडा भी साडा आर्मी सीगा, तो उस रेजिमेंट के नायक की ड्यूटी करके आया, जिहड़ी रेजिमेंट च इन्हां दा बेटा अफसर बन के गया। हाँ जी, हाँ जी, तो बहुत अच्छा। हाँ अक्सर गल मनप्रीत नाल मेरी गल हुंदी रहिंदी सी, ते मनप्रीत दे नाल मेरी बहुत ज़्यादा गलबात हुंदी रहिंदी सी। बहुत बहादुर सीगा, बहुत गरीब परिवार चो उठा, बहुत एक बहादुर मुंडा सीगा, बहुत ज़्यादा एक्टिव सीगा बहुत। मैं भी आर्मी च रहा है पर मैं एक बहुत इदा का ऑफिसर नहीं देखा जिहड़ा इन्ना एक्टिव है। बहुत एक्टिव सीगा, खुद लीड करदे सीगे, कर्नल होकर देखो, कर्नल होकर खुद लीड कर रहा वो, वड्डी गल है, वड्डी गल, बहुत वड्डी गल है, बहुत बहादुर सीगा। जी बात होती रहती थी सर, करते रहते थे फोन, अभी लास्ट जब फ्लड्स आए थे जब बात हुई थी सर, पूछ रहे थे इधर का हाल चाल कैसा आएगा सर। बहुत अच्छा मतलब कि स्वभाव था भैया का, सबसे प्यार से बात करते थे और सबसे बड़े थे हमसे सारे, सबको अच्छे से ट्रीट करते थे। कल न्यूज़ मिली थी सर, टीवी से पता चल गया था इनकाउंटर हुआ वहाँ पे एंड काफी इंजर्ड हुए वहाँ पे। जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों के साथ हुई मुठभेड़ कोई सामान्य मुठभेड़ नहीं थी, यह आतंकियों का एक सोचा समझा योजनाबद्ध जाल माना जा रहा है, जिसे आतंकियों ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मारे गए उनके आतंकी आका लश्कर ए तैयबा कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम की मौत का बदला लेने के लिए बुना। इसके बाद ककीरनाग में आतंकी घटना को अंजाम दिया। गौरतलब है कि पिछले सप्ताह आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा कमांडर रियाज अहमद उर्फ कासिम को उसके ही गढ़ पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के रावलकोट की अलकदस मस्जिद में घुसकर गोली मारी गई थी। ये चौथा ऐसा कमांडर था जिसे उसके घर में ही घुसकर मारा गया था। इसके बाद लश्कर के आतंकी और आका बुरी तरह से बौखला गए थे। कासिम के पिता भी आतंकी थे, उसे सुरक्षा बलों ने 2005 में ही मौत की नींद सुला दिया था। अनंतनाग में आतंकी घटना से पूरे देश में गम और गुस्सा देखा जा रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है और पुतले भी जलाए जा रहे हैं। पाकिस्तान हाय हाय, 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 पाकिस्तान हाय हाय। इधर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह ने कहा, जब तक हम पाकिस्तान को अलग थलग नहीं करेंगे तब तक कुछ बदलने वाला नहीं है। पाकिस्तान पर दबाव डालना है तो उसे अलग थलग करना होगा, क्योंकि जब तक हम अलग थलग नहीं करेंगे पाकिस्तान को, नहीं तो उनके लिए बिजनेस एज नॉर्मल। हाँ जी ठीक है, बॉलीवुड वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, क्रिकेट मैच खेलने वाले आ जाएंगे हमारे यहाँ, सब ठीक है, चंगा है जी, कोई दिक्कत नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ कि अगर उसके ऊपर दबाव डालना है तो उसको अलग थलग करना पड़ेगा। उनको पता चलना चाहिए कि आप नॉर्मल चीजों के अंदर हमारे साथ रिश्ता तब तक नहीं कर सकते जब तक आप खुद नॉर्मल नहीं हो। अनंतनाग हमले के बाद भारतीय सेना ने कश्मीर में आतंकियों को नेस्तनाबूद करने के लिए ऑपरेशन तेज कर दिया है।
इस कार्रवाई का असर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में देखा जा रहा है। वहां सक्रिय टेरर कैंपों में से कुछ कैंप को पीछे की तरफ किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक LOC के पास पाकिस्तानी सेना के कैंप के नजदीक कुछ टेरर कैंप को शिफ्ट किए जाने की जानकारी मिली है। जानकारों का कहना है कि पाकिस्तानी सेना के आतंकी कैंपों को शिफ्ट किए जाने के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि उन्हें भारतीय सेना की कार्रवाई से बचाना है। शिफ्ट हुए टेरर कैंप में कुछ शिविर ऐसे हैं जो LOC से महज कुछ किलोमीटर ही दूरी पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।